दो किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, तीन किलोमीटर, एक किलोमीटर, इसी रेंज में चलता। एक महीना तो कंटिन्यू हर वर्ष जो है गांव से लग के चलता है, गांव के जो जंगल के पूरे जंगल में पानी चलता है, गांव का जंगल पड़ता है। रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं या जो शहरी इलाके हैं, यहाँ रहने वाले लोगों का इस नदी के साथ क्या संबंध है या ये नदी इनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इस विषय को समझने के लिए ये शोध कार्य हो रहा है। और इसमें हमने ये तय किया कि हम सहभागी ग्रामीण समीक्षा, या जिसे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसका उद्देश्य ये था कि इस शोध में, इस रिसर्च में लोगों को और ज़्यादा नज़दीकी के साथ शामिल किया जाए। और जब हम लोगों के बीच सहभागी ग्रामीण समीक्षा को लेकर गए तो उसका उद्देश्य ये था कि लोग इस नदी के साथ अपने संबंधों का स्वयं विश्लेषण करें और उसके द्वारा लोगों की समझ भी बढ़े और उनके बीच में एक शेयरिंग हो, एक आदान प्रदान हो जानकारियों का। और ये मीटिंग का एक फायदा और भी है, जो लोग इस गांव में ब्याह के 2000 के बाद आए होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा कि पहले वहां भी पलेज होती थी। भाई ऐसे मेरे लिए तो सारी बात ही नहीं है, मेरे लिए तो सारी, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं है। बताया कि पहले वहाँ पलेज होती थी, नहीं बताती ना। तो आज की मीटिंग का एक ये भी फायदा है कि देखिए हम सब अपने यहाँ पर कॉलोनी मोहल्ले के लोग बैठ के अपनी पुरानी बात को समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे जो पुराने लोग यहाँ रहने वाले थे ये तो उस तरफ पलेज का काम भी करते थे, है ना। तो हम बार बार ये देख रहे थे कि जब हम लोग कोई भी टूल रखते थे और उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे तो बाकी लोगों की जानकारियाँ बढ़ रही होती थी। हमारी खुद की, हमें मऊ शाहजहाँपुर गाँव में जब हम बात कर रहे थे, जब ये चर्चा हो रही थी, तो एक धीमर जाति के युवक ने 21 तरह की मछलियों की प्रजाति के विषय में बताया जो रामगंगा नदी में होती है। और गांव में बहुत से लोगों का कहना ये था कि वो कभी भी नहीं जानते थे कि इतने किस्म की प्रजाति इस नदी में है। तो इसमें हमने ये देखा, जब हम लोगों ने सहभागी ग्रामीण समीक्षा के अलग अलग तरीकों को, जैसे मौसमी चित्रण, सामाजिक मानचित्रण या संसाधन मानचित्रण, फिर उनका कैसे इसमें ट्रेंड एनालिसिस हम लोग कहते हैं, समय के साथ कैसे कैसे बदलाव हुआ, इसके फ्लोज में कैसे बदलाव हुआ, इससे जुड़ी हुई जो आजीविका की गतिविधियां थी उनको लेकर कैसे कैसे समय के साथ बदलाव हुआ, इन चीज़ों को समझने के लिए इसको इस्तेमाल किया। कहीं भी जब सहभागी ग्रामीण समीक्षा करते हैं या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल करते हैं, उसकी पहली शर्त है कि आप जहाँ भी ये प्रक्रिया लोगों के बीच में डाल रहे हैं उससे पहले लोगों के बीच में एक तरह के वातावरण का निर्माण होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सहभागी ग्रामीण समीक्षा के जो चार पिलर्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन उसका एक पिलर है, या मेथड्स पे पकड़ उसमें उसका एक पिलर है, या शेयरिंग उसका एक पिलर है, वो उतना ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इसमें एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और एटीट्यूड एंड बिहेवियर उन लोगों का भी जो लोग इस प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं, और हम फैसिलिटेटर्स का भी। तो उस एटीट्यूड और बिहेवियर को डेवलप करने के लिए या इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए लोगों के बीच में एक मनोवृत्ति निर्माण के लिए काम करना होता है। वो जब हम कर पाते हैं तो उसके बाद लोग उस माइंडसेट के साथ इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और फिर हम लोग लोगों के बीच में अलग अलग टूल्स, अलग अलग तरीके रखते हैं। इसमें मुख्यतः सहभागी ग्रामीण समीक्षा में जो तमाम तरीके हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है। इसमें एक टूल्स होते हैं जो स्पेस से संबंधित होते हैं, कि हम लोग ट्रांजेक्ट वॉक कर रहे होते हैं, उस जगह को समझ रहे होते हैं, या सोशल मैपिंग कर रहे होते हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझ रहे होते हैं, या संसाधनों की व्यवस्था को समझ रहे होते हैं। इसमें दूसरे तरह के जो टूल होते हैं वो समय से संबंधित होते हैं, कि
कि जैसे ट्रेंड एनालिसिस, समय के साथ कैसे बदलाव हुआ, या हम लोग सीजनैलिटी की बात कर रहे होते हैं कि अलग अलग सीजन में लोग कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, या हम लोग डेली रूटीन की बात कर रहे होते हैं, रोज लोगों की दिनचर्या कैसे कैसे है, लोग इसको समझ रहे होते हैं। इसके अलावा फिर तीसरे तरह के टूल हैं इसमें जो रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, जैसे हम लोग इसमें वेन डायग्राम, चपाती चित्र, तो इनको जब हम लोगों के बीच में रखते हैं तो लोग इन टूल्स के माध्यम से फिर वही वो अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और समस्याओं को पहचान रहे होते हैं, उनका प्राथमिकीकरण कर रहे होते हैं और फिर उसके लिए एक एक्शन की बात कर रहे होते हैं। वहां लिखा हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ गए दोस्तों उसको। अच्छा, इधर हमने लिखी है गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधि, आर्थिक, बाढ़, मछली, है ना। फिर ये जो टिक लगाए हैं ना, इसका मतलब है कि किस सीजन में क्या क्या होता है। जैसे ये हमने लिखा पालेज, पहले पालेज को समझते हैं। पालेज कब से शुरू होती है? नवंबर से। आप लोगों ने कहा कि इसी महीने नवंबर से होती है, तो हमने लिखा नवंबर में होती है, फिर दिसंबर में होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक होती है। आपने तीन चार महीने चलती है ये महीने, हमने इन महीनों में ये काम नहीं होता, समझ गए इस बात को। ऐसे ही बाढ़, है ना, बाढ़ हमने क्या कहा कि जून के बाद आपने कहा कभी भी आ सकती है, तो हमने जून में हल्के से लगाए, दो ही लगाए, जुलाई में ज्यादा लगाए, ज्यादा आ जाती है, अगस्त में भी लगाए, सितंबर में भी लगाए, फिर अक्टूबर से आपने कहा कि थोड़ा पकड़ ले, हाँ ऐसे दोनों हाथ से पकड़ो ना, शाबाश, फिर आपने कहा कि अक्टूबर से जो है नहीं होती है। अच्छा, मछली में हमने क्या लिखा आप बताओ, मछली में क्या लिखा हमने? अक्टूबर में, नवंबर में ज्यादा होती है, उसके बाद नहीं होती है। अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, बालू में हमने क्या लिखा? ये रेगुलर चलता है, रेगुलर चलता है, लेकिन हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ दिया, बरसात में छोड़ दिया। अच्छा, मछली का मारना आपने कहा, मछली का मरना, हमने मरना वाला बताया था ना, मर जाती है मछलियाँ, वो हमने दो महीने में दर्ज किया है, पानी के अंदर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। फिर हमने एक चीज और भी लिख ली जो आपने कहा असुरक्षा, नीचे हमने लिखा नदी का पानी कम होने से, जो आपने कहा ना नदी का पानी कम होता है तो लोग उस पार से भी आ जाते हैं, वो जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ज्यादा होता है कहा, तो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उसको दर्ज किया। ये जो माना कोई भी एक चीज है, हम रामगंगा नदी को लेकर ही बात कर रहे हैं, तो रामगंगा नदी को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, किसी भी संसाधन की, किसी भी स्थिति की, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप की, तमाम चीजें। फिर अगर वो स्थिति है तो उस स्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, और फिर अगर हमने अपनी समस्याएं पहचान ली हैं तो उन समस्याओं के लिए हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं। तो PRA हमको, इसीलिए उसको अब PLA भी कहते हैं, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। हाँ, तो उसका मतलब ही यह है कि हम सहभागी रूप से पहले लर्निंग कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं और फिर उससे हम एक एक्शन जनरेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल या पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन हमको एक्शन तक लेके जाता है। राम की गंगा मैली हो गई, अब ये राम की गंगा मैली हो रही है, अब तुम सब समझो और मेहनत करो और बीड़ा उठाओ तो ये नीकर भी हो जाएगी पाक साफ। हम गैब हो रहे रिहायशी, मतलब क्या है रिहायशी क्षेत्र?